वो भी लगातार 2 दिन से लॉस में चल रहे हैं। ये बच्चा है, घर जा रहा है अभी तो, लेकिन रास्ते। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक को न्यू व्लॉग में। लीजिए चाय पीने हैं अभी आगरा गेट से, और अब चाय पीने के बाद मैं बस फिर मैं निकल ही रहा हूँ बड़ी मंडी के लिए। तो बड़ी मंडी जाएंगे अभी सब्जियाँ लेने के लिए, और आज मैं गाड़ी से ही जा रहा हूँ, तो बस वहाँ जाकर और सब्जियाँ वब्जियाँ ले आता हूँ। तो ठीक है, चलो चलते हैं रामगंज मंडी और फिर सब्जी वब्जी लेते हैं वहाँ पर। मिर्ची भैया, मिर्ची ले रहे हैं अपन 5 किलो यहाँ से ओम जी से। ये देखिए, ले ले ले, 60 सब्जियाँ वगैरह। ठीक है जी, तो भाई साहब ये मिर्ची ले ली है 5 किलो अपन ने, और मिर्ची देख सकते हैं चिल्ला रहा है यार, बढ़िया है मिर्ची, देसी मिर्ची है, बढ़िया चरखी वाली। बैंगन 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 60 वाले 30 रुपए, 60 वाले 30 रुपए किलो भैया। तो गाइस सब्जी ले ली है मैंने, और अब बस घर निकल रहा हूँ मैं। तो आज गाड़ी से लेके जा रहा हूँ सब्जियाँ, तो एक मिनट में आपको बता देता हूँ क्या क्या सब्जियाँ है हमारे पास में। देखिए ये रख लिए, 2 कट्टों में सब्जियाँ आ गई है इन दोनों में, और पीछे टमाटर और केले हो चुके हैं, तो बस अब निकल ही रहे हैं। और ये देख लीजिए मंडी में अब थोड़ी भीड़ कम हो चुकी है, तो चलो ठीक है चलते हैं। तो गाइस मैं लेकर आ गया हूँ सब्जियाँ, और ये देखिए पीछे मैंने अभी उतार दिए सारी की सारी सब्जी जो भी है, और अब नहा लेता हूँ, नहाने के बाद में फिर सब्जियाँ लगाएंगे। गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 9, और अब दुकान खोलते हैं, समय हो चुका है दुकान खोलने के लिए, तो बस अब दुकान लगा ही रहा हूँ मैं और जमाता हूँ सब्जी वगैरह जो भी है। तो गाइस अभी बज चुके हैं 11, और अब मैंने सब्जियाँ जमा ली है, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ मेरे पास क्या क्या सब्जियाँ है और क्या क्या भाव है। तो गाइस ये हैं केले, केले यहाँ 30 रुपये किलो है, सेब है 90 रुपये किलो, पत्ता गोभी है 60 रुपये किलो, मिर्ची है 80 रुपये किलो, लौकी 30 रुपये किलो, तोरू 60 रुपये किलो, करेले और बैंगन है 50 रुपये किलो, फूल गोभी है 80 रुपये किलो, काचरे हैं 60 रुपये किलो, अदरक है 120 रुपये किलो, भिंडी 60 रुपये किलो, और ये जो गवारफली है ये है 80 रुपये किलो, ये वाली 120 रुपये किलो, अदरक है कच्ची 20 रुपये पाव, और ये खीरा है 60 रुपये किलो, टमाटर है 50 रुपये किलो। तो गाइस ये देख लीजिए ये सब्जियां हैं आज हमारे पास में। कितने ग्राम, देखो 250 ग्राम में थोड़ी कम हो रही है, एकदम मिस्टर नाग दे 20 रुपये पाव ही है बहन, तो ये ले ली होगी 250 ग्राम, और कह दे बस। चलो ठीक है, ये बच्चा है घर जा रहा है अभी तो, लेकिन रास्ते के अंदर क्या डॉग है, तो डॉग की वजह से थोड़ा डरा हुआ सा है, तो जा नहीं पा रहा, तो चलो इसको छोड़ आते आगे तक। ले बेटा छोड़ आते तेरे को ना, ले चला जा, आ जा, चल 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 चल, आ जा। आजा आजा आजा, डरे मत, नहीं खाएगा तेरे को। ले चल जा, डर रहे हो कुत्तों देकर, ये चक्कर वाई घूम रही हो। चलो ठीक है चला गया। तो गाइस अभी बच चुके हैं 7:00 PM, और सब्जियां अभी थोड़ी सी पड़ी है हमारे पास में, तो आज गिरायेगी थोड़ी कम थी, लेकिन देखते हैं अभी 1-2 घंटे में हो सकता है सब्जियां सारी ख़त्म हो जाए या बच भी जाए, जैसा भी है, तो अभी 8 बजे तक जो भी है मालूम पड़ जाएगा। गाइस अभी बज रहे हैं 8:00 PM, और अब मैं दुकान समेट रहा हूँ, और सब्जियाँ थोड़ी ही बची है, ज़्यादा कुछ खास नहीं बचा, तो ठीक है चलते हैं अंदर और फिर लगाते हैं आज का हिसाब, और जोड़ते हैं आज कितने का प्रॉफिट हुआ हमें और कितना लॉस हुआ है, तो अंदर चल के फिर जोड़ने के बाद ही पता पड़ पाएगा ये। तो चलो ठीक है अंदर चलते हैं। गाइस मैं अभी आ चुका हूँ अंदर, और आज की जो सेल थी, सेल तो बहुत ही बढ़िया हुई, लेकिन प्रॉफिट कुछ खास नहीं मिला।
आज मैं लेकर आया था 3385 रुपए की सब्जी, जिसमें से मेरे बने हैं 3000 रुपए, यानी 385 रुपए अभी भी हम लॉस में ही हैं। और कल भी थोड़ा लॉस था, तो अभी लगातार 2 दिन से लॉस में चल रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है। सब्जियां भी करीब करीब सभी बिक रही है, लेकिन अभी मैं शाम के टाइम सब्जियों बहुत सस्ते भाव में बेच रहा हूँ, तो हो सकता है इस वजह से थोड़ा लॉस हो रहा हो। लेकिन अभी क्या है कि सब्जियाँ रखने से ख़राब हो जाती है, इसलिए क्या है मैं सब्जियाँ बिल्कुल भी नहीं बचाना चाहता, इसलिए जितना हो सकता है सस्ते से सस्ते भाव में शाम के टाइम में सब्जियाँ निकाल दे रहा हूँ। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन से तो लॉस ही हो रहा है, और कल देखते हैं देखो कल का दिन कैसा रहता है। तो कल जाएंगे मंडी सुबह और फिर लेकर आएंगे सब्जियाँ। तो ठीक है, आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और फिर कल एक और न्यू ब्लॉग के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।